यूएई बाट 215 जना देश का विभिन्न क्षेत्र लगायत दार्जिलिंग सिक्किम अनि कोलकाता का यात्री बोकेर एयर अरबिया G9-65703 बागडोगरा हवाई अड्डा आइपुगेको छ। आफ्नो क्षेत्र का मानिसहरूलाई स्वागत गर्न अनि सुविधाजनक अनि सुरक्षित घर फर्काई ल्याउन गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापा स्वयं उक्त हवाई अड्डामा हाजिर भएका छन्। COVID-19 को प्रकोप अनि लकडाउन को कारण काम ठप्प भए पश्चात यूएई मा बिछल्ली परेका मानिसहरूले हवाई अड्डा मा उतरे पश्चात कोरोना महामारी पछि पुनः रोजगारी को निम्ति कोशिश गर्ने आशा व्यक्त गर्दै तिनीहरूलाई घर फर्काई ल्याउनमा यूएई मा कार्यरत केही व्यक्तिहरू स्टेफन गुरुङ, सोनाम थोप्तेन भुटिया, अरुण प्रधान अनि प्रवीण तामाङ अनि जीटीए अध्यक्ष अनित थापा प्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। अभी 200 साल आदमी आ रहा है, लेकिन कलकत्ता का भी है, सिक्किम का भी है और जीटीए क्षेत्र से बहुत ज़्यादा है। और उन लोगों को डिस्कस करके हम लोग देखिए, उन लोग को वर्कर का कैटेगरी बाहर फॉरेन आदमी के लिए उन लोग अच्छा स्टैंडर्ड का आदमी भी रहेगा, कोई वर्कर भी रहेगा। उन लोगों को देख के उन लोगों को मिल के उन लोगों को खुश के हम लोग कैसे क्या करें, उन लोग हेल्प करेंगे। देखा तो उन लोग कैटेगरी के अनुसार देखेंगे, देखिए गवर्नमेंट का नॉर्म्स अनुसार सबका पेड क्वारंटाइन है, लेकिन देखेंगे अभी उन वर्कर का कोई हाई पे कोई अच्छा मतलब अच्छा सर्विस कर लिया, कोई तो एकदम वर्कर भी आ रहा है, उन लोगों को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे। 216 आदमी आ रहा है। गभर्मेन्ट प्रोटोकलको अनुसार चाहिँ सबैजनाहरू बाहिरबाट आउनेहरू फिट क्वारेन्टाइन छ। र अब जिटिएमा हाम्रो दुईवटा रिजल्ट हामीले गरेको छु, पहिला इन्फ्लुएन्स छ। अब जति पनि उनीहरूको यहाँ कतिजना अब वर्करहरू धेरै प्रब्लममा छ, हामी उनीहरूसँग डिस्कस गरेर उनीहरूलाई कस्तो प्रकारले एरेन्ज गर्ने, हामी एरेन्जमेन्टमा छौँ, ट्रान्सपोर्ट एरेन्ज गरेको छ, हामीले फुड एरेन्ज गरेको छु। र फर्दर उनीहरूसँग डिस्कस गरेर चाहिँ हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ, अब उनीहरूको सपोर्ट कतिजना हुनु अहिले आउने यो चार्टर फ्लाइटबाट 216 तपाईँ जिते क्षेत्र कलकत्ताबाट पनि छ, गान्तोकबाट पनि छ, जिटिए क्षेत्रबाट धेरै जान्छौँ। कतिवटा क्वारेन्टाइन क्वारेन्टको चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट प्रोटोकल छ, हिन्दी प्रोटोकल हामीले लिएको छ, सिलगढीमा छ, दार्जिलिङमा छ। अरू यो उनीहरूको एक्चुली पेड क्वारेन्टाइन, सो दे हेभ टु पेड, उनीहरू आएर पेड गरेर उनीहरू बस्छ। र पनि अब धेरै अब कतिजनाको अवस्था के छ हामीले डिस्कस गरौँ। दार्जिलिंग से, दुबई से आ रही हूँ। क्या काम? मैं वहाँ पे सेल्स एसोसिएट का काम कर रही थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से जॉब चली गई। सो ऑलमोस्ट थ्री एंड हाफ फोर मंथ्स कह सकते हैं वहाँ पे हम स्टे किया। सो फाइनली वागडोगरा का यहाँ पर डायरेक्ट प्लेन आ गया। सो वी आर लक्की एंड थैंक यू सो मच। जी सैलरी, हाँ जी, कंपनी ने सेटलमेंट दिया था। सो बस लास्ट एक मंथ का नहीं मिला, तो उसके बाद दो महीने का फुल पेमेंट और सेटलमेंट का, क्योंकि हमने एडवांस ऑलरेडी लिया था तो उस कट के वो भी दिया था। सो कंपनी ने दे दिया, सब जो देना था वो लोग ने सब दे दिया। अभी नहीं, मतलब काम चल रहा है, लेकिन अभी हायरिंग कुछ नहीं है। न्यू जो हम लोग सब न्यू थे तो हम सबको निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत लॉस चल रहा है अभी। अभी क्या करेंगे आप लोग? अभी देखेंगे, अब कोरोना के जाने के बाद हम लोग फिर से ट्राई करेंगे जॉब के लिए। क्या नाम है आपका? इडेन। इडेन क्या? यलमो। इडेन यलमो। दार्जिलिंग से। जीटीए सेक्टर इज वेल, सो वी हैप्पी। सो यू विल बी क्वारंटाइन वेयर? यू विल बी क्वारंटाइन अप देयर, बिकॉज़ सिंस वी दे सेड दैट देयर इज अ फैसिलिटी टू फॉर दार्जिलिंग क्वारंटाइन, बिकॉज़ आई एम हैविंग मेडिकल इश्यू। So I believe I'll be calling you. What's your name? Sagar. Sagar. Yeah, Sagar. लागिन सेन्टर बनाइदिएको छ है, यसमा जिटिएलाई पनि हामीलाई चेयरम्यानलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।